तो चलिए दोस्तों देखता हूँ यहाँ पर। देखिए व्हाट्सअप जैसे मैंने ओपन किया, व्हाट्सअप ओपन करने के बाद में हम नंबर डाला है, नंबर डालने के बाद जैसे क्लिक किया है स्विच बटन आ रही है। देखिए स्विच बटन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप स्विच बटन पर क्लिक करोगे तो आपका व्हाट्सअप का जितना चीज़ है वो डिलीट हो जाएगा। व्हाट्सअप में मतलब कैटलॉग वगैरह, बिजनेस के लिए कुछ भी बनाया, आपको जो कुछ भी लिखा है, किसी का बात चैट, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये बार बता रहा है, ये क्यों बता रहा है ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बिजनेस व्हाट्सअप है, यहाँ पर देखिए यहीं पर बिजनेस व्हाट्सअप है, ठीक है। और यहीं पर यह जो नॉर्मल व्हाट्सअप है, जब हम बिजनेस व्हाट्सएप पर हमारी अकाउंट होती है तो हम बिजनेस व्हाट्सएप पर हम कैटलॉग वगैरह बनाता है। देखिए इस तरह से हमारी कैटलॉग बना हुआ है, देखिए स्टोर बना हुआ है इसी तरह से। तो इसी का बात वहाँ पर बता रहा है, देखिए यहाँ पर उसी बात को बता रहा है, ये सब डिलीट हो जाएगा। और आपको जैसे यहाँ पर चार्टिंग है, देखिए ये चार्टिंग वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर ये सब लगा हुआ है, लिंक बनाया है, ये सब का बात बोल रहा है, ठीक है। ये सब जितना चीज़ लगाया देखिए ये सब भी डिलीट हो जाएगा यहाँ पर, वो बता रहा है। और डिलीट होगा देखिए यहाँ पर चार्टिंग है ना, जितना चार्टिंग है वो चार्टिंग भी डिलीट हो जाएगा, इस बात को यहाँ पर बता रहा है। क्योंकि देखिए आपको बिजनेस व्हाट्सएप में सब कुछ रखने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये सब रखने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल व्हाट्सएप है, इसीलिए नॉर्मल व्हाट्सएप ओपन करोगे तो यहाँ पर बताएगा स्विच बटन पर क्लिक करो, ये सब डिलीट करो। तो देखिए मैंने स्विच बटन पर क्लिक कर देता, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन आने के बाद आपको कंटिन्यू पर आप क्लिक करिए, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करके अलाउ कर दीजिए, ठीक है। अलाउ करने के बाद कॉल में आपको ये आ जाएगा, OTP आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा दूसरा मोबाइल पे सिम लगा हुआ है, ठीक है। तो हम कॉल आएगा तो हम देख लेता, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा वीडियो स्टॉप। तो देखिए इस तरह से हमें ऑप्शन आया है, इस तरह से आने के बाद तो मैं कॉल पे ले लेता हूँ, दोबारा कर देता हूँ क्लिक कॉल पर। तो दोस्तों जैसे आप OTP डालोगे, OTP डालने का थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद ही आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका व्हाट्सअप ओपन होने के बाद आपको मतलब जो डिलीट हो जाएगा बोला था ये सब डिलीट ही हो जाएगा, और कुछ आपको नहीं मिलेगा, और नया व्हाट्सअप जैसा ओपन हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।